पिछले दिनों गिरी तीन मंजिला इमारत एम्पायर गार्डन जीरकपुर के सोसाइटी के लोगों द्वारा रोष जताया जा रहा है कि एक तरफ जहां बिल्डिंग गिरने से उनके मनों में अभी तक दहशत का माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद नगर कौंसिल के अधिकारी रात के समय हमारी सोसाइटी में बनी बिल्डिंग पर आए व खाली पड़े फ्लैटों पर ताले लगाने शुरू कर दिए। रात को करीब 8 बजे बिल्डिंग को सील करने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू थाना जीरकपुर पहुंचे थे और बिल्डिंग गिरने के मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए थे और सोसाइटी का दौरा भी किया। यहां पर सिद्धू ने सोसाइटी को सील कर जांच करने के आदेश दिए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए ईओ मनवीर सिंह गिल ने रात को ही इसकी कार्यवाही शुरू कर दी थी। जीरकपुर से अभिषेक सूद के साथ भारत सूद, आजाद टीवी न्यूज। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? एक्चुअली हम लोग रह रहे थे, अचानक से ये जो हुआ है, 10 दिन से एमसी को चाहिए था कि एक्शन लेने के बजाय यहाँ सारी ये टेस्ट कराती कॉलोनी, जहाँ कमी है उसको रिकवर कराए, जो नहीं है उसको जैसे करना है गवर्नमेंट करे, लेकिन जो रह रहे हैं उनका तो सोचे ना, हम लोग कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके, ऑन द रोड हो जाए और इसकी टेस्टेशन कराओ, हमें सील, हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, जो होगा हम यही मरने के लिए तैयार है पर घर नहीं छोड़ेंगे। विनय अग्रवाल, यहाँ पे जो सारी जितनी भी पीछे बिल्डिंग बनी है सारी घर के अंदर बनी हुई है, क्या इसको सीलिंग करने से पहले डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि सीलिंग का ऑर्डर देने से पहले हमें क्या क्या रेक्टिफाई करना है? उन्होंने वो सब चीजें करी? उन्होंने किस हिसाब पे ऑर्डर दे दिया सिद्धू जी ने कि तो सील कर दो? क्या उन्होंने देखा कि मटेरियल ठीक है नहीं है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? एक बिल्डिंग गिरी है, उन्होंने सारे बिल्डर के ऊपर एकदम से इंडिकेशन लगा दिया। ये सारे जो रेजिडेंट्स यहाँ पे रह रहे हो पागल है जो रह रहे हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने फाइनेंस कराया, जैसे उन्होंने अपनी परचेज की बिल्डिंग, उसके लिए उन्हें पूरे के पूरे पहले लीगली उसको तैयार करना चाहिए बेस को, वो अनलीगल चल रही है। क्या बोला गया आपको खाली करने के लिए? वो सीलिंग के लिए आए थे, सीलिंग किस बात की सीलिंग कर रहे हैं आप? ये बताइए जी को, ये बताइए कि सारे मतलब की फ्लैट नहीं है इसमें, 25 से 30 है जो इन्होंने ये मकान बनाए हैं, और बिल्डर एक बार दोबारा से शहर को देखे, अगर आपको समझ में नहीं आती तो सिद्धू जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बीच में आए, हम उनको समझा सके कि एक्चुअल मामला क्या है। जब तक मामला वो नहीं समझेंगे, जब तक मैटर का उसका पता नहीं होगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। आप पूरा कैमरा घुमाइए, पूरी बिल्डिंग है ये, तो 3 बिल्डिंग बनी है, 28 से 10 10 बिल्डिंग बनी है।